मेरे साथ उपस्थित है एक अनूठा राजनीतिक तंत्र हम सबको देखने को मिल रहा है। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन की है कि दिल्ली में जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी में सुचिता का तमाशा करते हुए सत्ता पाई, उन्होंने पॉलिसी बनाने के लिए शराब की कंपनियों का इस्तेमाल किया, शराब की कंपनियों ने बैठकर दिल्ली में पॉलिसी बनाई, ये दिल्ली में आज तक कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला तो सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुआ और उन सारे दस्तावेजों को देखकर सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि हाँ शराब की पॉलिसी में घोटाला हुआ और 338 करोड़ के घोटाले में तो सीधा मनीष सिसोदिया लिप्त है। हाल में जब कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल को प्रस्तुत किया गया 45 करोड़ का घोटाला, स्वयं अरविंद केजरीवाल कैसे किंगपिन हैं, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, वो प्रमाण के साथ कॉल रिकॉर्ड व्हाट्सएप मैसेज उनकी अपनी उपस्थिति घूस देने के लिए अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति साइड में, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये सब क्यों बता रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के उन दस्तावेजों में लिखा है 100 करोड़ की घूस मांगी, इसलिए मांगी ताकि चुनाव में उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए कार्यकर्ताओं को आगाह करना चाहती हूँ, दिल्ली में आप जहाँ से चुनाव लड़वा रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल को, आम आदमी पार्टी ने प्रमाण दे दिया है कि वो इस लोकतंत्र को शराब के घोटाले के पैसे से कलंकित कर चुके हैं। ये दुस्साहस इस लोकसभा के चुनाव में क्षेत्र में ना हो, ये एहतियात आपको बरतनी है। हमने कभी नहीं सोचा था कि संविधान की कसम खाने वाला, बच्चों की कसम को छोड़ के संविधान की शपथ लेने वाला सरकार का मुखिया हिरासत में हो। दिल्ली ने ये कलंक कभी ना अपेक्षित किया, न कभी सोचा, और आज दिल्ली की जनता इसे देखने को मजबूर है। इसे जो आम आदमी पार्टी पैसे का दुरुपयोग चुनाव में कर चुकी है, उनसे सतर्क रहकर हर बूथ पर चुनाव को लड़ना है। जोरदार तरीके से प्रवीण जी आज से 20 साल पहले डॉक्टर साहब एक बार खुला था, डॉक्टर साहब ने सच कहा, डॉक्टर साहब को अटारी जी ने कहा हमारी घर की बेटी है, आपको इसका संरक्षण करना है, एक बेटी एक बहन की तरह डॉक्टर साहब ने मेरा संरक्षण करा। और 20 साल पहले सबसे बड़ा क्यों लटकाए जो व्यक्ति मुझे पहली बार मिले वो मुझसे कहने लगे अरे दीदी आप डॉक्टर ने मेरी टिकट बन गई वरना मैं प्रत्याशी होता, मैं लाइन बैठा, मेरा नाम क्या पता प्रभु की अजीब कृपा उस वक्त शायद विवाह पर सरस्वती विद्यमान होंगी कि मैंने पलट कर कहा क्या पता प्रभु जी एक दिन आप प्रत्याशी बने और मैं इसी चांदी चौक पे आपका प्रचार करने और आज मैंने इसीलिए धर्मवीर जी को साक्षी बनाया, विजय गुप्ता जी को साक्षी बनाया, क्योंकि जब मैं अगली मीटिंग करने गई तो विजय गुप्ता जी ने कहा था भूमिका जी को बनाए बैठे चिंता नहीं करो टिकट घोषित हो गई, इस पार्टी में ये नियम है, इस पार्टी में ये डिसिप्लिन है, सब कार्यकर्ता खुले मन से काम करते हैं। लेकिन भाई मुझे याद है शाम को डॉक्टर साहब ने घर आए और उन्होंने कहा श्रीमती ये मत सोचो कि ये राजनीति का अंत है, अगर परिश्रम करोगी तो तुम्हारी यही शुरुआत है।